नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दिनेश गोदारा पे। आज हम कक्षा 10 की विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट वीडियो डाले जाते हैं। जैसे विलोपन, विलोपन से स्पष्ट हो रहा है कि विलुप्त करना है, एक संख्या को हटाना है यानी खोपचे में फिट करना है, खोपचे में डालना है, तो बराबर होंगे तभी होगा ऐसा। तो देखो, या तो अक्ष अक्ष बराबर हो या वाई वाई बराबर हो, तो हम अक्ष अक्ष को बराबर कर लेते हैं। तो देखो, समीकरण ए को दो से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर, तो देखो दो एक्स प्लस दो वाई बराबर 10, समीकरण तीन में से दो को घटाने पर, समीकरण दो को ठीक है, ये माइनस का चिन्ह तो घटाना, ठीक है। देखो इसी तरीके से करना है आपका, पेपर सब्जेक्टिव आपका, ठीक है, कोई स्टेप बीच में खानी नहीं है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो देखो 2x + 2y = 10, अब देखो 2x - 3y = 4, तो देखो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पे देखो 5y = यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 6, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 6/5, ठीक है। अभी ये y का मान है ना, जो समीकरण एक में रख के भी x का मान प्राप्त कर सकते हैं और समीकरण दो में रख के भी कर सकते हैं, लेकिन जिस समीकरण से हम मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसी समीकरण में रखना है। तो देखो हम समीकरण एक में रखेंगे तो न तो गुणा करना है न और डायरेक्ट पक्षांतरण करके सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो दोस्तों समीकरण एक में रखेंगे y का मान, तो देखो x तो है जैसे का जैसा, और y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे ये 6/5 = 5, ठीक है, समीकरण एक ही है। तो देखो x बराबर पक्षांतरण करेंगे 6/5, एलसीएम लेंगे 5, 25 - 6, तो x का मान क्या आएगा, 25 में से निकालेंगे तो 19/5, ये इसका आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को शेयर करना।